देखिए जी, हम बीइंग जर्नलिस्ट, हमारा ये फोकस तो न्यूट्रल रहना भी है, बिल्कुल, लेकिन हकायक बयान करना भी है। हाँ जी। जो फैक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो मैं वही बयान करूंगा। मुझे कोई बायस ये ना यार नूलदीक, नहीं, जो वजीर आला बेहतर परफॉर्म कर रहा है, दलील दें साथ। दलील के साथ दूंगा मैं, दलील के साथ दूंगा। देखिए गंडापुर साहब, उधर 11 साल हो गए हैं हुकूमत उनकी, मुझे बताएं अब तक कौन सा कोई लैंडमार्क मनसूबा उन्होंने स्वाय BRT के, जो कि वो भी पंजाब से कॉपी करके वहाँ पर आया 11 साल में। ये बात कहना कि वहाँ पे अवाम ये मांगती नहीं है तरक्याती काम या मंसूबे, ये गलत बात है, अवाम की तोहीन है। अब मैं भी KP में आता जाता रहता हूँ, हमारी भी लोगों से बात होती है, लोग बेचारे बहुत बुरे हालात हैं। तो है लोग, देखें मुझे डेली नहीं चले, महीने में 2-4 फ़ोन वहाँ से आ जाते हैं यार कि पंजाब में फलां बंदे का इलाज करवाना है हॉस्पिटल में। मुझे बताएं ये क्यों आए? अगर उन लोगों को नहीं सवाल करना आ रहा, इसका ये मतलब नहीं कि वो उनको चाहिए नहीं। हाँ, उनको चाहिए नहीं। अब आप बताएं कि बेहतर कौन सा, बेहतर कौन सा? अभी देखिए मरीम नवाज को पहला मौका मिला, उन्होंने गंडापुर साहब को भी पहला मौका मिला। हाँ जी, लेकिन PTI को तो पहला मौका नहीं मिला ना, इससे पहला मौका मिला है माशाल्लाह, सर एक सवाल होगा आने लगा, उससे पहले किसके पास है? ये अब जवाब बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, नहीं 11 साल के साथ 40 साल का कंपैरिजन सर, आप चले गंडापुर साहब के पहले वजीर आला बने यार, वही पहले गंडापुर साहब, मुराद अली शाह, सिफाज मुफ्ती, मरीम नवाज, आपने मुझे हमें सर बात कम से कम जमहूरियत तो है ना, पार्टी वर्कर तो वजीर आला बनता है, लेके आए थे ये तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज, नहीं पढ़नी आती वो बुजार साहब तो पुराने हो गए ना, लेकिन अब मरीम नवाज साहब आई, उन्होंने जो बताया मैं सिर्फ रखूंगा मुख्तसर, वो आई उन्होंने असेंबली में खड़े होकर जो बोला उसमें से उनके 75% तो मंसूबे शुरू हो चुके हैं। ITCT का उन्होंने ऐलान किया वो शुरू हो चुका है, बन रहा है, उसके बाद मेरे सामने मैं फिगर्स बताऊंगा आपको, ठीक है, जिससे 10 लाख मुलाजमतें जो है वो आएंगी आपके सामने। उसके बाद किसान कार्ड लेके आई मरीम नवाज, ठीक है, किसान कार्ड लोगों को मिलना शुरू हो गया है, वो 150 अरब रुपए का मंसूबा है, 5 लाख किसानों को फराहम भी किए जाएंगे, मेरे ख्याल से मिलना शुरू हो गया है, मैंने खुद वीडियोस देखे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसके बाद सोलर पैनल दिए जा रहे हैं लोगों को। देखिए ये जो बिजली वाला महंगी बिजली वाला जो मामला है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म है, इसको आहिस्ता आहिस्ता हल किया जाएगा। उसके साथ 45 अरब रुपए का रिलीफ उन्होंने पंजाब में फराहम किया आवाम को, ये छोटी बात है। देखिए मेरा बिल, मुझे 10,000 45 अरब रुपए का रिलीफ मिला पंजाब की आवाम को, ये सवाल है सर। इन्होंने कहा कि जी 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया मरियम ने, सर मुझे बिल आया, तो मुझे बता दें कि किस मद में दिया, किसको मिला, कैसे मिला, मुझे मिला पंजाब के लोगों को, कैसे मिला आपको, मिला मुझे सर 20,000 का रिलीफ मिला, आप बताएं आप इंतजार लोगे, आपको मिला किसी को रिलीफ, बिल दिखा दो, आपको रिलीफ मिला, आपको माइक की पड़ी है, पता नहीं कौन सी आवाम है आपको, ₹45 अरब का ऑडिट होना चाहिए, 45 अरब रुपया यार, मैं गवर्नमेंट का तर्जमान थोड़ी हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ गिनके बता रहा हूँ यार चीजें हैं। इस तरह की लिस्ट गंडापुर साहब की भी होगी? नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। क्यों? मैं चाहता हूँ कि होनी चाहिए लेकिन नहीं है, धमकियां देने के अलावा किसी और के पास होगी, दिखा दें इनमें से कोई, दिखा दें, पहले आते ही वहाँ पे सेहत कार्ड स्टार्ट हो गया है, वो लिस्टिंग 2016 में नवाज के साथ मंसूबा था यार, किसान कार्ड की बात कर रहे हैं, इमरान खान किसान कार्ड को देता रहा, वजीर आजम मौजूदा किसान जाकर बोला कि यार हमें पहला कदम लेकर आया, ये प्रोग्राम हम 2024 में कर रहे हैं और हमें इस वक्त के जो करंट वजीर आला है हमें नवाज शरीफ से लेना, करंट वजीर आला ने आते साथ ही किसान कार्ड वो आते साथ ही सेहत कार्ड वहाँ पे 10 लाख अनाउंस कर दिया और 10 लाख का सेहत कार्ड वहाँ मिल रहा है, अब इससे बढ़कर लैंडमार्क मंसूबा को क्या चाहिए? ऑडिट में सेहत कार्ड में आप देख लें, एक बंदे के 4-4 इलाज हुए, 10-10 दफा स्टंट पड़े हैं उसको, आपके प्रोग्राम की बात कर रहे थे ना, सेहत कार्ड की बात कर रहे हैं ये। चले एक मैसेज देना चाहूंगी इन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स हैं या बीटर्स हैं, व्हाटएवर जो भी हैं ये, मगर मैं इन लोगों से एक साफी है सारे आप, व्हाटएवर ये बीट तो PTI ही कर रहे हैं ना, क्या हुआ बीट, हम ये थोड़ी ये बात नहीं सर, सीट पर नहीं देते हैं, बगैर दलाइल के शोर ही होता है, एक बात करूंगा, उसके बाद मरीम साहब बात कर लें, इधर जितने भी 6 लोग बैठे हुए हैं ना,
समेत इनके जो ये पांच लोग हैं ना, हम सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी की साइड भी ले रहे हैं, अगेंस्ट भी जा रहे हैं। हमने यहाँ बैठ के कहा गंडापुर काम नहीं कर रहा। हमने आपको गंडापुर में कोई खामी खूबी नजर नहीं आती, लेकिन हमने दूध की लहरें नहीं बहा रहे। आखिरी बारी इनकी थी, आप इनकी बात सुनिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को मेरा एक मैसेज है, वो बेशक ये सहाफी जो है उनकी बीट कर रहे हैं जो भी है, भाई साहब प्लीज ये 2024 है, अपने सेहत कार्ड से लंगर खाने और पनाह गांव से बाहर निकलो, वरना हमारे सामने मत बोलना, क्योंकि इनकी मैं बात ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। दो आपने कहा मरीम नवाज बेहतर परफॉर्म कर रही, इन्होंने कहा मरीम नवाज बेहतर परफॉर्म कर रही। सर मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह रही हूं, बाकी सबने कहा कोई वजीर अला बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा। मरीम नवाज बेहतर परफॉर्म करे या ना करे, आप अपनी आंखों से देखें, बच्चों को लैपटॉप मिल रहे हैं, स्कूटियां मिल रही हैं, रोजगार मिल रहा है, ये वादे तो इमरान नियाजी ने किए थे ना। अब यहाँ पर इन्हें कहे कि सुनने की तौफीक रखें ये लोग, ठीक है। अब ये सारे वादे जो है वो मरीम नवाज यहाँ पर पूरा कर रही है, खवातीन को जो है सिक्योरिटी फराहम कर रही है, आपके वाईफाई आपको सड़कों के ऊपर मिल रहे हैं, सरकारी अस्पताल जो है उनकी नई ब्रांचेस बन रही है, नई उनकी क्या कहते हैं शाखाएं बनाई जा रही है। सर वाईफाई बिल्कुल सड़कों को मिल रहा है, कैमरामैन दिखा दे तो वीपीएन ऑन करके व्हाट्सएप यूज करना पड़ रहा है। बात पूरी करूंगी, ये सारी कारकर्दगी है मरियम नवाज कर रही है। अब जो एतराज है एक औरत के ऊपर, इन्हें कि एक औरत सीएम बन के क्यों आ गई है, क्योंकि वो उस्मान बुज़दार तो कुछ कर नहीं सका, हमने उसको झेला है, हमें पता है। सर एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ, सुनने की हिम्मत पैदा करें अपने अंदर। यहाँ पर ये एक औरत पे तोहमतें लगा रहे हैं कि मरियम नवाज को पब्लिसिटी का बड़ा शौक है, ठीक है। शौकत खानम के इन्होंने फूलों के हार डाले हुए कि इमरान नियाजी ने जो है शौकत खानम बना दिया, इसके अलावा आपने क्या किया है, लंगर खाना, सेहत कार्ड और पनागा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ वो जो इन्होंने वजीर बिठाई हुई है एक जरताज गुल, ठीक है, कहीं पर भी वो खड़ी होकर अपने टिकटॉक बनवा रही होती है, वीडियो बनवा रही होती है, उसमें मुझे सिर्फ आखिर मोहसिन आपसे करना है, आप बताएं ये जो सारे इकदाम इन्होंने बताए कि मरियम नवाज ये कर रही हैं, गंडापुर सब कुछ नहीं कर रहे, आप इस इत्तेफाक करते हैं, इत्तेफाक मैंने प्रोग्राम खत्म कर दिया। मैंने ये बात पहले भी की है कि गंडापुर साहब की गवर्नेंस जीरो है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अगर फिर भी आप कहें जी मैं पीटीए का तर्जुमान हूँ, इस बात पे जो गंडापुर साहब की गवर्नेंस को जीरो कह रहा है वो कैसे तर्जुमान हो सकता है। ये तो आप गलत बात है। दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि लैपटॉप तकसीम किए गए हैं, मसला यह है कि शबाशी साहब लैपटॉप तकसीम करते थे, मरियम साहबा कर रही हैं, लेकिन मसला यह है कि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, इंपोर्ट करके ला के देंगे, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान में मसाइल पे बात नहीं करेंगे। पीटीआई वालों को दें क्योंकि सीएम इनका भी बैठा है, बिकॉज आप तो किसी के तर्जुमान नहीं है ना, यही एडवाइस आप मैं खान साहब की 3.5 साल की उम्र को भी कहता हूँ जीरो गवर्नेंस थी, इससे ज्यादा क्या करूं। यही एडवाइस सीएम को दें वहां। बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका, आप सबने कोशिश की कि तहमुल से बात कर सके, मरियम इकराम, अली रजा शाह, हनीफ जहीर, बिलाल, बहुत कोशिश की, मोहसिन शहजाद और आसिम साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया।